नमस्कार दोस्तों, बद्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम अपने पर्सनालिटी को किस तरह से मजबूत बनाएं कि हजारों लोगों के बीच में हमारे तरफ जो है लोगों का ध्यान बना रहे, और अपने पर्सनालिटी को भी हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना करके रखें, ताकि हम जो है लोगों के नज़रों में स्टार की तरह बना रहें। हम इस बनने के क्रिया में हम कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अभी हम आपके सामने दोबारा हम पेश होंगे। देखिए गाइड, कभी भी किसी व्यक्ति से मिलिए तो उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक होकर के बात ना करें, और उससे बहुत ज़्यादा दूर होकर के भी बात ना करें। सरकार का भी तो पहले लॉकडाउन में आया था ना, कि बहुत ज़्यादा क्लोज होकर के थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखें। तो हमें क्या है कि हमें बहुत नज़दीक होकर के बात नहीं करना है। अर्थात हम बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी व्यक्ति को कोई भी बात करते हैं तो छू छू के बात करते हैं, छू छू करके हम बात ना करें। दूसरी नंबर बात है कि जब तक हमारा उसके साथ में क्लोज रिलेशन ना हो, जब तक हमारे उसके साथ में बहुत ज़्यादा गहरे रूप से उसके साथ में दोस्ती ना हो, उसके अंदर उसके पहचान ना हो, तब तक हम उसके किसी भी पर्सनल चीज़ को ना पूछें। ताकि वो क्या है कि वो अपने पर्सनल चीज़ को बताने में वो खराब पाएगा, और आप तो पूछने को पूछ लेंगे लेकिन वो बताना नहीं चाहेगा, और बताएगा भी तो सोचेगा कि ये आदमी किस तरह का है, जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ही हुआ है हमसे बात करते हुए और ये मेरे पर्सनल चीज़ों को मालूम करना चाहता है। एक और चीज़ है कि हम कभी भी किसी के पास जाएं तो मोबाइल तो कम से कम देखे ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट कोई खबर आने वाला भी है तो उससे बात करें कि भाई देखियो हमारा एक तो फ़ोन आने वाला है, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए एक मोबाइल फ़ोन से बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम बीच बीच में कभी कभी उसकी सच्ची तारीफ भी करें, सच्चा तारीफ करें, ऐसा झूठा तारीफ नहीं है। अगर मान लीजिए कि उसके अंदर पाँव खराब है और आप बोले कि आपका पाँव बहुत अच्छा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए उसका सच्चा तारीफ करें। उसके बाद में क्या है कि हमें उस व्यक्ति से एक बार नाम सुनने के बाद में उसके नाम को पूरा रूप से याद रखना है। कभी भी हम उसके गलत नाम को ना लें। गलत नाम, किसी भी व्यक्ति को अगर हम गलत नाम लेकर के पुकारते हैं या बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खराब पाएगा आपको। इसीलिए पहले और नाम को पहले ही याद करके रखिए। आप उसके नाम को अगर जान लेने के बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद में भी जब आपकी मुलाकात होती है तो आप उसका नाम लीजिए, नाम लेकर के उसको पुकारिए। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति भी सही होगा, और गलत नाम होगा तो मेरा अपना जो खुद का इमेज भी खराब होगा। इस तरह से क्या है कि हम उसको उसके साथ में उसके अपना विचार जो है उसको हम पहुंचा भी सकेंगे, और वो हमको अच्छा भी पाएगा। उसके बाद में क्या है कि हमने पिछले ब्लॉक्स में बताया था कि हम सुनने का काम जो है थोड़ा ज़्यादा करें और बोलने का काम हम जो है वो कम करें। तो इस तरह से क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है वो हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। एक और बात है कि हम अपने पहनावे ओढ़ावे को, भले ही वो कपड़ा दामी ना हो, भले ही उस कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, लेकिन हम अपने कपड़े को ढंग से पहने, जो भी पहनते हैं उसको ढंग से पहने, और पहन करके ऐसा है कि सभ्य लगे, ठीक लगे, चाहे वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, चाहे शर्ट पहनते हैं, चाहे धोती पहनते हैं, जो भी पहने। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो विचार जो होगा वो लोग मानेंगे, और हम लाखों में एक गिने जाएंगे, और हमारा पर्सनैलिटी भी ठीक होगा, और हमारी बातें भी लोगों तक पहुँचेगी, और लोग हमारे बातों को भी ध्यान से, थोड़ी ही बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमने उनका 3 भाग तो हमने सुना, सिर्फ एक ही भाग हमने कहा। इस तरह से हम अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, और अपने आप को लोगों के बीच में एक बढ़िया एक स्टार के रूप में भी हम चमक सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और दोबारा हम फिर आपके साथ एक कोई दूसरे चैनल दूसरा आपका लाएंगे, उसके अंदर कुछ नया बात लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।